ये वगैरह सब मड फ्लैप, और इसके अंदर जो ग्राफिक्स ऐड किया उसके बाद तो गाड़ी हकीकत बहुत अच्छी लग रही। तो राम राम भाई सभी लोग को। आज हमारे पास है इको BS6, और BS6 में आज स्मॉलेस्ट एसेसरीज में क्या क्या किया है वो आप लोग को बताता हूँ, जो कि आप लोग अपने गाड़ी में करा सकते हो। पहला तो हमने इसके अंदर किया है, बाहर लगाया स्पार्क को मड फ्लैप, देख सकते हो ये ब्लू वाला है जो कि मड फ्लैप लगाया है कीचड़ से बचने के लिए, और गाड़ी के ऊपर भी अच्छा लगता है। पीछे भी लगाया है दो, और यहाँ भी लगाया है, और ये किए स्पार्को लगाया है जो कि स्टील वाला, देख सकते हो। तो ये आप अपने गाड़ी पे एक एसेसरीज के तौर पे करा सकते हो, जो कि फ़ायदा भी करेगा, कीचड़ से भी बचाएगा। और दूसरा हमने इसके लगाया है डोर गार्ड जो कि सेफ्टी का काम करता है। ये डोर जैसे भी आप कहीं दरवाज़ा खोलोगे तो ये आपको डोर भी कहीं टच होगा तो स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, वो सेफ्टी का काम करता है। और साथ ही साथ इंटीरियर में आ जाते हैं, तो इंटीरियर में आप एसेसरीज में करा सकते हो। इसमें BS6 में बेस मॉडल था तो स्टेयरिंग कवर नहीं आता, इसके अंदर डाला है स्टेयरिंग कवर जो कि स्टिचिंग वाला डाला है, देख सकते हो स्टिचिंग कितना अच्छा बेहतरीन डिज़ाइन में स्टिच किया हुआ है, तो मस्त लग रहा है ये गाड़ी के अंदर। साथ ही साथ इसके नीचे आता है जो सादा कारपेट आता है, उसके अंदर हमने किया है लेमिनेशन, देख सकते हो ये रेक्जिन है, लेदर कुछ लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर हमने किया है लेमिनेशन, पूरा कंसोल बॉक्स के नीचे तक है, देख सकते हो अच्छे से किया है। और अभी साइड पे भी करेंगे, लेदर लगेगा, और पीछे तक किया है पूरा, देख सकते हो बाटला के नीचे तक पूरा लेमिनेशन किया है अच्छे से। और साथ ही साथ पीछे आ सकते हैं, तो ये 5 सीटर गाड़ी थी तो हमने इसको बनाया है 7 सीटर, पीछे हमने इसके एक्स्ट्रा बेबी सीट डाली है जो कि देख सकते हो ऐसी है, खुलते हैं और ऐसे जो बाटला आता था बीच में हमने उसको कर दिया नीचे, तो बाटला कुछ इस तरीके से नीचे हो जाता है और आपकी बीच वाली सीट थोड़ी सी आगे हो जाती है, तो पीछे आपको 7 सीटर बनाने के लिए जगह बन जाती है। तो ये हो गई है 7 सीटर। साथ ही साथ लेमिनेशन हमने पूरा पीछे तक किया है, तो देख सकते हो यहाँ भी लेमिनेशन अच्छे से किया हुआ है, पूरा रेक्जिन का है, जो आपका ये सादा कारपेट रहता था उसके ऊपर हमने ये लगाया लेदर, और नीचे इसके जैसा है वैसे ही, और ये कंपनी की ही मैटिंग है। और पीछे भाई आदमी चढ़ेंगे तो उनको चढ़ के बैठने के लिए हमने लगाया ये पायरी, रियर गार्ड का भी जो काम करता है, पीछे से कोई गाड़ी वाला ठोकेगा तो आपका बम्फर सेफ रहेगा, और साथ ही साथ कोई चढ़ के ऐसा ऊपर आराम से बैठ सकता है, जो कि SS की पायरी है, देख सकते हो। आप अपने गाड़ी पे ये भी लगा सकते हो SS पायरी। चौथा हमने इसके अंदर स्पॉइलर भी लगाया है, तो देख सकते हो गाड़ी के अंदर स्पॉइलर कितना अच्छा लगता है, तो ये स्पॉइलर लगाया गाड़ी के अंदर, पीछे से लुक काफ़ी बेहतरीन लगता है गाड़ी के अंदर, तो आप अपने गाड़ी में इस तरीके का स्पॉइलर भी लगा सकते हो। और ये सारा है CNG का, जो कंपनी का किट रहता है वो सारा निकाल दिया है, क्लैंप वगैरह हमने सब इसमें से ही एडजस्ट करके फिटिंग कर दिया है बाटले को। और इसमें हमने लगाया गार्निश, तो ये है विंडो गार्निश, देख सकते हो ये भी मस्त लग रहा है। ये आता है 4 डोर 6 डोर भी आता है, तो कस्टमर ने 4 डोर डाला है, 6 डोर बाद में डालेंगे, ये भी अच्छा लगता है। और इसके अंदर था स्मॉलेस्ट एसेसरीज में आप इतना कुछ करा सकते हो, और आप भी कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, पर मेन और छोटे मोटे आइटम डला के आप गाड़ी को बना सकते हो काफ़ी बेहतरीन। तो देख सकते हो ये छोटे मोटे आइटम थे जो कि डला है। और हाँ एक चीज़ और, गाड़ी में आगे डला सकते हैं पार्किंग बल्ब जो कि आता है कुछ इस तरीके का, वाइट कलर का अंदर आता है, तो आप डला सकते हो पार्किंग बल्ब। बाकी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंदर भी लगा दिया है, एक्स्ट्रा ऐड किया है ग्राफिक्स जो कि बाद में कराया कस्टमर ने, और इसमें डाला है ब्लैक ब्यूटी हैंडल पे, ग्राफिक डाला है ओरिजिनल वाला पूरा इको स्टार के साथ, देख सकते हो आप गाड़ी लग रही है बहुत मस्त। पीछे से तो आपने देखा ही था ये स्पॉइलर ये वगैरह सब मड फ्लैप, और इसके अंदर जो ग्राफिक्स ऐड किया उसके बाद तो गाड़ी हकीकत बहुत अच्छी लग रही। तो आपने भी अगर कंपनी से गाड़ी ली, आपको भी अगर ग्राफिक नहीं मिला है तो आफ्टर मार्केट लगा सकते हो, तो देख सकते हो मस्त लग रही है गाड़ी के ऊपर। और साथ ही साथ इस बाजू टेन लाइट पर भी लगाया ब्लैक ब्यूटी,
तो ये ब्लैक 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 ब्यूटी दिख सकते हो, मस्त लग रहा है। और साथ ही साथ आगे हेडलाइट पे भी डाला है, और ये रहा हेडलाइट पे ब्लैक ब्यूटी, देख सकते हो कितना मस्त लगता है। अगर आप क्रोम का नहीं डलाना चाहते तो ब्लैक ब्यूटी डला सकते हो।